नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूँ मैं अंजना राठौर। खबर गुजरात के पाटन डिसा से है, जहाँ वदानी गांव में गौ हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पाटन डिसा हाईवे के समीप एक खेत में गाय का शव मिला है, जो पूरी तरह से क्षत विक्षत हालत में था। गाय के कटे हुए अंग पेड़ से लटके हुए मिले हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जहां गाय का शव मिला है, वहीं एक नॉनवेज का होटल भी है। गाय का शव क्षत विक्षत मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा और उग्र आंदोलन करते हुए थाने जा पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस से गौ हत्यारों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पाटन जिला के सरस्वती तहसील में वदानी गांव में गौ माता की हत्या करके उसके अवशेष हमें सड़कों पे मिले हैं। उस बात की हमने जांच की और उसका कत्ल हुआ है, तो बागडोद पुलिस स्टेशन में हमने उसकी रजूआत की और उन्होंने जानवा जोग दाखिल करके एमसी लिख ली है। और हमने बोला, उन्होंने बोला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में एक काम करेंगे। हमारी मांग ये है, आज कलेक्टर साहब को हम आवेदन पत्र देने वो आए थे कि इसको कड़क में कड़क सजा दी जाए, और दूसरा कि वहाँ जो अवैध कत्लखाने चल रहे हैं, जिसकी कोई परमिशन नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उसकी तपास हो और वो बंद करवाया जाए, तुरंत तत्काल असर से उसको बंद करवाया जाए। और दूसरी बात है, वहाँ नॉनवेज जो होटल चल रही है उसका लाइसेंस है क्या नहीं है, उसकी सभी तपास हो और हम आरटीआई से तपास करने वाले हैं। और दूसरा एक विषय है कि 28 तारीख को हमने जो गौ माता की हत्या हुई है, उस गौ माता के श्रद्धांजलि का कार्यक्रम वागड़ोद और वदानी के बीच रामापीर कैंप पे रखा है, तो पूरे भारतभर से और पूरे गुजरात से गौ बच्चों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। और 28 तारीख को हम ये ऐलान कर रहे हैं, जाहिरात कर रहे हैं कि 28 तारीख को संपूर्ण वदानी बंद रहेगा, नहीं होगा तो हम बंद करवाएंगे। और कुछ भी करके गौ माता के विरोधियों को छोड़ने की बात नहीं है। गौ माता हमारे लिए तीन माता है, भारत माता, गौ माता और अपनी माता। तो माता पर ऐसा अत्याचार तो हम कभी नहीं सहन करेंगे। भारत माता की जय। साथ ही कलेक्टर कचहरी में रैली निकाली और कलेक्टर को अर्जी दी कि जल्द ही गुनहगारों को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने गौ हत्या को लेकर वदानी गांव में 28 मई को पूर्णबंदी का भी ऐलान किया है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।